डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, मतलब पूरी जान लगा देंगे। लास्ट टाइम पर चाहिए मोटिवेशन, लास्ट टाइम पर सेल्फ मोटिवेशन। स्कोरिंग भी है और आगे का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड है और रैंक भी ये डिसाइड करती है। पर आप सिलेबस कवर करो सारा का सारा, फिर रिवीजन पे लग जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ी चीजों को एक फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। क्वेश्चंस के बेस पर रिवीजन करोगे, बस ये ध्यान रखना। अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दो तरीके की स्ट्रेटजी हो, तो मैं बोल रहा हूँ कैसे भी करके एक बार आप सिलेबस कवर करो सारा का सारा, फिर रिवीजन पे लग जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। आधा आधा प्रेशर तो पीडब्ल्यू वाले दे देते कैसे हैं। घर वालों को मैंने नहीं बोला कि मैंने वहां से क्विट कर दिया और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा। कितना डेडिकेट है अपने टारगेट के लिए, नीट के लिए, तो वो देखते हैं जाकर के क्या कंडीशन है बच्चों की। देखो दो चीजें मैंने बताई थी बेटा, अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दो तरीके की स्ट्रेटजी हो, ठीक है। एक तो मैंने एक वेटेज वाला वीडियो दिया था, याद हो आपको, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक को पहले आप कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि वो करना सारा कवर है, पर हाई वेटेज पर मास्टरी होगी। रिमेनिंग टॉपिक को आप एक बार थॉरली पढ़ लोगे, क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। उससे ये समझ में आ गया कि भी किसका वेटेज कितना है, किसको कितना टाइम देना है। और 4 से 5 साल के आप बैकलॉग, मतलब पुराने वाले जो पीवाई क्यू है वो लगाओगे ना, उससे ये समझ में आएगा कि यार जो टॉपिक हम छोड़ रहे थे उनसे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा आपको, पढ़ के सारा जाना है, छोड़ के एक भी टॉपिक नहीं जाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। एक क्वेश्चन से ही बिलीव नहीं करोगे 1000 बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं एक क्वेश्चन से ही। मैं इतना भी बता दूं कि कभी कभी दो बच्चों के मार्क्स इक्वल आए हैं, ठीक है, फिर भी उनमें से फर्स्ट और सेकंड रैंक डिसाइड हो जाती है, तो उसमें बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पता है ये वाली बात आपको। हाँ, तो बायो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, फिर एज को प्रायोरिटी दी जाती है, वो अलग है, पर बायो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सबकी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। स्कोरिंग भी है और आगे का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड है और रैंक भी ये डिसाइड करती है, ठीक है। क्वेश्चन के बेस पर रिविजन करोगे, बस ये ध्यान रखना। और डट के मॉक टेस्ट लगाओ, और हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देने वाले भी हैं आपको एडिशनल, ठीक है, जो AITS के उसके अलावा भी देंगे, जिससे कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिससे कि आपको कुछ हम ऐसे सिंगल शॉट, जैसे उसने बोला ना, कुछ सिंगल शॉट लेकर के आएंगे आपके लिए, या कुछ चीजें ऐसी लेके आएंगे जो लास्ट टाइम पर बड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बस मुस्कुराते रहो, ठीक है, लेंगे तो सेलिब्रेशन हमारा असली सेलिब्रेशन सिलेक्शन के बाद होगा। नी 2024 वालों के लिए तो है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जैसे पढ़ रहे हो 24 तो फोड़ोगे ये, तुम ठीक है। तो इस बार NTA ने क्या किया है, टाइम रिड्यूस किया है, सभी के पास टाइम रिड्यूस है, तो ये प्रॉब्लम एक की नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। तो ऐसा मत समझना कि मेरी ही प्रॉब्लम है, मेरे संग ही ऐसा हो रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा, ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। तो इसको मतलब टेंशन मत लेना इसके लिए, तो जो आप फेस कर रहे हो वो और बच्चे भी वही समस्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। टाइम रिड्यूस है, इस कम टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हो वो आपको करना है, ठीक है। बस यही मेन चीज है, पॉजिटिव रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस यार ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सच में ये है डेडिकेशन, क्योंकि अरे वाह, एक बार और दिखाओ, ये सर का ही लेक्चर देख रहा था भाई। नहीं नहीं नहीं, सर को सामने देखकर तो, और इधर 11th का कवर होगा, इधर 12th का कवर होगा, जब दोनों कवर हो जाएंगे फिर हम मॉक टेस्ट ले लेंगे। ताकि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ी चीजों को एक फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लो डायग्राम के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो तरीका ऐसा है ना कि वो मतलब ब्रेन में सेट होना चाहिए। तो फ्लो डायग्राम ऐसे बनाओ कि तुरंत मेमोराइज हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स वैसे मत बनाना जो मैं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा लिख करके, समझ रहे हो, वो बेकार है, ठीक है। नोट्स ऐसे हो कि आपने एक बार पलटा और आपके ब्रेन में बस जाते जा रहे हैं, मेमोरी बनती जा रही है, तो वो सबसे बेटर है, ओके। अगर आप वास्तव में नोट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो नीट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्की बात है। पर इस समय थोड़ा सा एक लास्ट टाइम पर चाहिए मोटिवेशन, लास्ट टाइम पर सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर ये है कि पॉजिटिव रहना लास्ट टाइम पर। नहीं सर, अभी तो जो सिलेबस कंप्लीट पे, पर रिवीजन में दिक्कत आ रही है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वही तभी तो मैं बोल रहा हूँ कैसे भी करके एक बार आप सिलेबस कवर करो सारा का सारा, फिर रिवीजन पे लग जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा आपका। बायोमोलिक्यूल का वन शॉट भी डाल देंगे, पक्की बात है 100% अभी डालने वाले हैं, ठीक है, एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, उसमें डाल देंगे। पर बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आएंगे और सभी को बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से आएंगे, टोटल एनसीईआरटी से। अभी कुछ आपको पता होगा ना कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिलेबस डाउन किया है इन्होंने, जो न्यू एनसीईआरटी आएगी, बट इस बार जो नीट का एग्जाम होगा ना उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना उसका, तो उसमें डाइवर्ट मत होना।
ठीक है, जो नई एनसीईआरटी प्रिंट होके आएगी नेक्स्ट सेशन के लिए, उसमें तो बहुत कुछ उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ड्रॉप कर दिए उन्होंने, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, पर कोई नहीं, एनटीए के हिसाब से एनटीए की साइट पर कहीं कुछ भी ऐसा है नहीं, तो एकदम सीरियस होकर के अभी जो नीट का एग्जाम जब अभी जो फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उसमें कुछ टॉपिक्स देंगे वो लोग, तो मुझे लग रहा है अभी पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ वैसा ही है, तो डाइवर्ट मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, नीट 2023 के लिए, ठीक है, और 24 के लिए भी बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक है।